सो आफ्टर वॉचिंग किसी का भाई किसी की जान, आई वॉज थिंकिंग कि वॉट मेड सलमान ग्रेट, राइट? सिंस पठान रिलीज आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, अपार्ट फ्रॉम जो एस आर के फैंस हैं, किसी को ही पठान उतनी पसंद नहीं आई. एस आर के फैंस का है अपना कोर रीज़न है, आई एम एन एस आर के फैन, बट आई वॉन्टेड मोर फैन सर्विस. पठान का रिव्यू का लिंक आई पुट इट अप देयर इधर कहीं पे, एंड प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक अबाउट माई रिव्यू ऑफ पठान. सो मेरी भी कुछ शिकायतें थी, बट देर वॉज वन थिंग दैट क्लियरली स्टूड आउट इन पठान, एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ पठान, राइट? हेलो एंड वेलकम टू बैश परस्यू. आई होप यू एंजॉय द लास्ट वीडियो. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक मोर कॉन्टेंट एज वी गो फॉरवर्ड. टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट स्टूड आउट इन पठान स्पेशली फॉर मी. अनडाउटेडली द बेस्ट पार्ट अबाउट पठान वॉज सलमान खान्स कैमियो, राइट? सलमान एज टाइगर रियली किक्ड इन एंड रियली यू नो ब्रोक द सीलिंग ऑफ हाउ good a cameo can be. So let's talk about the five reasons that made the cameo really stand up. Number one, right? अच्छा पहले अब हम लोग spoiler zone में जाने वाले हैं. अभी तक आपने पठान नहीं देखी, इसका मतलब आप पठान आप आगे देखने भी नहीं वाले हो. तो अब जो बातें होंगी वो खुल के होंगी, वो मूवी के प्लॉट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा रिवील होने वाला है, तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि आई डोंट थिंक अब आप पठान देखने वाले हो, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है. अब नहीं देखा तो अब नहीं देखा. Having said that up, let's talk about the first reason why this cameo was truly spectacular, the setup and timing. Interval ke pehle ki baat karte hain. Interval se pehle Rubai, that is Deepika, has you know betrayed Pathan. Dhoka mil chuka hai, you are shattered and you are emotionally, are yaar yaar ye to dhoka ho gaya yaar, shit yaar, and us cliffhanger pe chhod diya gaya. Pathan has been captured by Russians, okay, black prison mein wo hain. Dimple Kapadia ji aati hain aur unhone bola ki bhai do goliyan mere taraf se hi maar dena. उन्होंने भी छोड़ दिया. ओके, अब एक ट्रेन जा रहा है और ट्रेन में पठान है और कुछ मर्सनरीज, कुछ प्रिजनर्स हैं, उनके हाथ खोल दिए जाते हैं. पठान स्टिल इन चेन्स और हैंडकफ्स, चेन्स नहीं, किंकी है. और उसमें फिर यू नो अ फाइट इरप्ट्स, बट द नंबर्स गेम इवेंचुअली कैच अप एंड पठान इज अलोन. अब पठान कैसे बचेगा, जिंदा रहेगा या मारा जाएगा? एक ट्रेन है, कुछ पता नहीं अब क्या होने वाला, हाउ विल ही सर्वाइव यू नो उस पॉइंट तक कहानी को. ये इंटरवल से जस्ट थोड़ी देर, मतलब इंटरवल खत्म हुआ, इंटरवल के बाद आप जस्ट अ पॉपकॉर्न लेकर आए हो अंदर और ये हो रहा है, मतलब अरे यार अब क्या होगा. देन यू से, देन यू हियर थड 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 ऑन द ट्रेन का रूफ टॉप. अच्छा एंड यू हैव, अच्छा अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यू हैव दैट फीलिंग, आ रहा है, आ रहा है. देन रूफ टॉप हल्का सा ब्रेक होता है, एक जो आई नॉट से दुपट्टा, द स्कार्फ ऑफ टाइगर दैट हैंग्स, the BGM kicks in, ding 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 ding, and then you know the entry happens, the crowd erupts, the popcorn is in the air, everyone is happy, everyone is screaming. Bhai ke fans, SRK ke fans, SRK acknowledges you know Salman you know coming in as Tiger, and the crowd completely erupts, you know, and the paisa vasool wala value, because Pathan ka agar aap dekhe to first half ka screen pe tha inconsistent tha, सेकेंड हाफ में बिल्कुल यू फील लाइक कोई और आदमी स्क्रीन पे लिखा है. और जैसे ही ये सीन आता है यू सी दैट द अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा शुरू हो गया है. क्राउड गोज क्रेजी, सब लोग सीटी बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पॉपकॉर्न लिटरली हवा में उड़ रहा है, काइंड ऑफ फील्स या यू नो द फाइनली यू नो इट हैज हैपेंड. एंड सलमान विथ ऑल दैट स्वैगर ही इज इन एज टाइगर. सो अ ग्रेट सेटअप, सेटअप किया इम्पॉसिबल तक ले गया और फिर वहां पे सोल्यूशन लाया कि भाई देखो टाइगर आ गया बचाने के लिए. And the timing, interval के बाद just लोग आए हैं, परिवार आए हैं, सब लोग they are freshened up, they have their popcorns in hand and they are ready to consume something new, something अब कुछ नया तगड़ा देखने को मिलेगा. And yes, they deliver. जैसे ही आप वापस आते हो आपको ये pure entertainment देखने को मिलता है. Good. Second topic, the duration and the jugalbandi. अच्छा cameo का क्या है, cameo has to be kind of you know कहते हैं कि बहुत छोटा सा होना चाहिए. अच्छा एक scene आया, कैमियो हुआ और वो एक्टर चला गया. ये कैमियो इतना छोटा कैमियो नहीं था, इट वाज गुड 5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस दैट हैपेंड, परफेक्ट सिनेमैटिक सीक्वेंस जो यू नो विद एक्शन वाला एलिमेंट दैट यू वुड एक्सपेक्ट, वो पूरा का पूरा भरपूर आपको मिला. 5 to 6 मिनट का कैमियो, गुड. तो आपको, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, या मज़ा आ रहा है, वो पूरा वसूल हो रहा है 5-6 मिनट में. जुगलबंदी, तो जितने भी 90s के किड्स हैं उन्होंने देखा इन दोनों एक्टर्स को अपने अपने फेजेस में, अपने अपने सक्सेसेस,
यू नो, तो ये कॉम्बो देखने का बहुत दिनों से लोगों को मन था कि अरे कॉम्बो देखने को मिल जाए तो मजा है। हाँ रूमर्स थे, यू नो न्यूज चैनल्स में, मूवी रिव्यू चैनल्स बोलते थे कि हाँ भाई ये कैमियो आने वाला है, तो कैमियो आता तो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये कैमियो आया है। और द जुगलबंदी जोक्स चल रहे हैं आपस में, दे हैव केप्ट इट वेरी फन, इट्स नॉट वेरी सीरियस सीरियस। यहाँ ये तू कॉफी लेकर आया था, तो कॉफी शॉप पर रुका था, तो टाइगर गेट्स अ कॉफी मग, कॉफी फॉर यू नो शाहरुख, एंड देन शाहरुख इज लाइक तू कॉफी शॉप पर रुका था, देन देयर इज पेन किलर बीइंग शेयर्ड एंड फुल ऑन फाइट सीक्वेंस, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये पूरा चलता है। तो दे हैव केप्ट इट वेरी फन व्हिच इज गुड, ऑडियंस को देख के ये बैंटर, ये फन, ये ड्यूअल डायनामिक देखने में मजा आता है। देन नेक्स्ट पीस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द बीजीएम, राइट। शुरुआत में वी स्टार्ट विद द टाइगर बीजीएम, देन वी किक इनटू पठान, देन व्हेन द ब्लास्ट हैपेंस ऑन द ट्रेन, देन यू सी बोथ ऑफ देम फाइटिंग टुगेदर, एक कॉम्बो सीक्वेंस होता है वेर यू नो टाइगर catches Pathan's hand and then there's a rolling flying kick kind of a move. उसमें war का BGM बजता है जो I also missed during watching the movie. Movie देखने के बाद and I was looking at other channels, वहाँ पे पता चला कि हाँ यार war का BGM बजाता, which is a very smart way and neat way to put in. उसके बाद जो BGM बजता and that is very fun. Again आप वो पूरे zone में आता है, yeah वाला zone में आप रहते हो. उसके बाद you see Pathan into Tiger theme that starts playing. ये थीम अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक यूट्यूब पे आया एंड इट हैज डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पठान इनटू टाइगर थीम, इफ आई डू अ क्विक सर्च, 1.1 मिलियन व्यूज इन 3 डेज। समडे इंशाल्लाह आई विल आल्सो रीच देयर, बट या नॉट गोइंग टू दैट जोन। पठान इनटू टाइगर थीम 3 दिनों में यू नो अमेजिंग व्यूज, एंड दिस इज द एंटायर ट्रैक जो आई थिंक थोड़ा सा वेस्टर्न, थोड़ा सा टिंग 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 टिंग, आई थिंक वेस्टर्न ही है, काउबॉय वेस्टर्न वाला म्यूजिक इनटू पठान का थीम, टाइगर का थीम, एक दूसरे साथ यू नो ओवरलैप करना, दे हैव डन दैट रियली वेल। सो ये बीजीएम कीप्स यू एंगेज टिल द होल सीक्वेंस एंड्स। फोर्थ पॉइंट, ह्यूज नॉस्टैल्जिया पॉप, अगेन 90s किड ये देखना चाहते थे, उनको ये देखने का मन था। पर अगर आप देखें कि रिसेंट वर्क, रिसेंट जो वक्त में, रिसेंट समय में स्पाइडरमैन नो वे होम में आई थिंक जब यू नो यू सी पीटर पार्कर, बोथ द पीटर पार्कर कमिंग इन, नॉस्टैल्जिया पॉप मेक इट मीनिंगफुल, बहुत मजा आया। ऐसी बहुत सारे फिल्म नॉस्टैल्जिया पॉप कर रही हैं, किसी का भाई किसी की जान में भी नॉस्टैल्जिया पॉप है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है टू मेजर मेरे ख्याल से, एक ग्रेनेड सीन में दैट Pathan has pulled out the pin of the grenade, और वो grenade उसके पास है, villain के पास है और mercenary के पास है, वो blast होने वाला है। Tiger says कि तेरी pin कर, तेरी pin निकालने की आदत नहीं गई, I need to get the door. Let us continue. So where was I? And तेरी pin करने की आदत नहीं गई, you know this is exactly how you know मैं हूँ ना मैं, Shahrukh does that, he takes out the pin, Sunil Shetty, and then he runs and boom, that blast happens. So, Mehuna call out. Second or the most standing out call out was when they are running on the train and Salman shouts, Bhag Pathan Bhag, you know, classic Karan Arjun. Last time we saw them together in a fully fledged role in the movie was Karan Arjun. That, you know, Bhag Pathan Bhag, is Bhag, you know, or was he Karan or was he Arjun? That. I think he was Karan. No, he was Arjun. Yeah, Salman was Karan. Okay. So, just like that, you know, Bhag Arjun Bhag, kind of nostalgia pop, phir milta hai, you know, Bhag, Bhag Pathan Bhag. So again, two very smartly done cameos. Kudos to Ayush Chopra and Siddharth Anand for pulling that off. Now, ये चार पॉइंट्स दैट आई स्पोक ऑफ वाज इंटायरली ऑफ दैट सीक्वेंस, कि भाई ये सीक्वेंस इतना खूबसूरत था, 5 मिनट का एंटरटेनमेंट मिला। अब उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द फ्यूचर। एक कोई आपने कुछ दिखाया तो उसका कोई फ्यूचर रेलेवेंस है कि नहीं? यस है, जब ये कैमियो एंड होता है देन यू हैव सलमान टेलिंग दैट मैं एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा हूँ, जिंदा रहना, टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है, सॉलिडिफाइंग द फैक्ट दैट पठान विल हैव हिज कैमियो इन टाइगर 3 वेयर इट इज सलमान वर्सेस इमरान हाशमी। सो दैट इज गुड, क्योंकि देम आपने
ऑलरेडी बुक कर दिया कि यार हाँ चलो एक हिंट दे दिया, सटल हिंट, एक फोर शेडोइंग हो गया कि भाई पठान की भी कैमियो होगी इन टाइगर 2, विच इज गुड. आगे फ्यूचर में हम लोग वो देख सकते हैं. ओके या अगेन ग्रेट सीक्वेंस, लव्ड इट. लास्ट ईयर देयर वाज अ सीक्वेंस इन द मूवी विक्रम, नॉट अ सीक्वेंस बट अ गुड कैमियो विच वॉज माई फेवरेट, विच वॉज द रोलेक्स सर, रोलेक्स सर की एंट्री. मे बी आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल, यू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी दैट वीडियो. बट आई थिंक दैट वॉज माई फेवरेट कैमियो लास्ट ईयर, बट दिस ईयर पठान का ये सीक्वेंस वॉज सिंपली फैंटास्टिक, यू नो, स्पेक्टैकुलर. एपिक थिएटर रिस्पॉन्स मिलता है एंड दिस पॉप दैट इज हायर दैन एनी पॉप आई हर्ड इन अ वाइल. लाइक आई लव्ड इट, आई सीन इट ट्वाइस इन द हॉल एंड आई हैव स्क्रीम्ड एट बोथ द टाइम, सो आई रियली एंजॉयड इट. दैट वॉज अ वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग फन कंटेंट. आई विल ट्राई टू बी मोर, यू नो, consistent going forward. Thank you so much. Bye. Till then, keep watching Abash Person. Bye-bye.